हिंदी और मराठी सिनेमा से एक शॉकिंग खबर सामने आई है। बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई अब हमारे बीच नहीं रहे। नितिन ने बुधवार की सुबह फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। उनकी मौत की खबर सामने आते ही हर कोई हैरान है। सिनेमा जगत में सन्नाटा पसर गया है। नितिन देसाई ने करजत स्थित अपने यंडी स्टूडियो में मृत पाए गए हैं। पुलिस ने अभी तक उनकी मौत के कारणों के बारे में अधिक जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दी है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। नितिन देसाई एक्टर, फिल्म मेकर, आर्ट डिजाइनर, सेट डिजाइनर और प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में काफी मशहूर रहे हैं। उनकी लोकप्रियता और काम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें 4 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्होंने फिल्मों में कामकाज के साथ साथ एनडी स्टूडियो की स्थापना भी की थी। 58 साल के नितिन देसाई ने न केवल प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में काम किया बल्कि कई फिल्मों में एक्टिंग भी की और डायरेक्शन भी किया। उन्होंने बतौर एक्टर हम सब एक हैं, दाऊद, फन ऑन द रन और हेलो जय हिंद जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स में एक्टिंग की थी। वहीं साल 2011 में आई फिल्म हेलो जय हिंद को उन्होंने डायरेक्ट भी किया था। फिर उन्होंने साल 2012 में आई मराठी फिल्म अजिंठा का डायरेक्शन संभाला था। आर्ट डायरेक्टर के रूप में नितिन देसाई को खूब फेम मिला। वह साल 1989 से इस क्षेत्र में काम कर रहे थे। परिंदा, आ गले लग जा, अकेले हम, अकेले तुम, विजेता, दिल जले, माचिस, लगान, इश्क, जंग, मिशन कश्मीर, 1, 2 का 4, राजू चाचा, मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, दोस्ताना, गॉड तुसी ग्रेट हो, देवदास, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, पानीपत से लेकर हम दिल दे चुके सनम जैसी सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने आर्ट डायरेक्टर का काम संभाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, इन 24 न्यूज।